जिन लोगों को लगता है कि ऑटोमेटिक कार रिलायबल नहीं होती, बहुत बेकार होती, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। सबसे पहली बात, मेरे पास है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इस गाड़ी को मैं लद्दाख से लेकर जैसलमेर हर जगह लेके जा चुका हूँ और इस गाड़ी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। मैनुअल गाड़ी में होता क्या है, क्लच होता है, क्लच ब्रेक से आप गाड़ी को छोड़ सकते हैं। हर एक ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर होता है हिल होल्ड फंक्शन, यानी कि ब्रेक छोड़ने के 2 सेकंड बाद भी अगर आप एक्सीलरेटर देंगे तब भी गाड़ी उठा लेगी वहीं से और गाड़ी पीछे नहीं जाने देगी। दूसरा सबसे बड़ा फीचर है कि इसमें क्लच ना होने की वजह से आप लॉन्ग ड्राइव बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ऑटोमेटिक गाड़ी होने की वजह से मैनुअल गाड़ी की तरह एकदम से पिकअप नहीं ले पाएगी। टॉर्क कन्वर्टर AMT, DCT या फिर IMT, CVT को हम नहीं काउंट करते। इन 4 गियर बॉक्स के अंदर आप जैसे ही एक्सीलरेटर देंगे वैसे ही गाड़ी पिकअप लेगी और आगे निकल जाएगी। सिर्फ AMT गियर बॉक्स के अंदर आपको गाड़ी के अंदर लैग फील होगा क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली में एक मैनुअल ट्रांसमिशन है। इतनी सब बातें सुनने के बाद भी अगर आपने माई मोटर गाड़ी को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो अभी तक क्या कर रहे हो यार। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमेशा आती रहती है हमारे चैनल के ऊपर।